हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं नेटवर्किंग को लेकर के बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप नेटवर्किंग पे वीडियोस नहीं बना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और हालात बहुत गंभीर हैं हमारे देश में, तो इस कारण से जो मैं इंस्टीट्यूट पर बच्चों को बुला रहा था तो वो भी एक डेढ़ महीने से नहीं बुला रहा हूँ, वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरत थी कि आप जो है नेटवर्किंग के ऊपर बेस्ड वीडियो बनाइए, तो एक वीडियो और बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क कुल मिला के 5 टाइप के होते हैं। कुल मिला के कितने नेटवर्क होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर देयर। ओके, तो 5 नेटवर्क में से पहला जो होता है जिसे हम बोलते हैं लैन, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आप चले जाइए गोरखपुर वाले रेलवे स्टेशन पर, देवरिया रेलवे स्टेशन पर, तो ऐसे में आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है और रेलवे स्टेशन आपको, रेलवे जो है आपको वाईफाई प्रोवाइड कराता है। और ऐसे में आप हाई स्पीड नेट का लुफ्त उठा सकते हैं। अगर आप यात्री हैं, अगर आप यात्रा करते हैं या प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हुए हैं, तो ऐसे में रेलवे ने आपको सुविधा दी है कि आप नेट चलाइए। और इसकी रेंज जो होती है, मैक्सिमम रेंज वो होती है 1 किलोमीटर तक। तो ये था लैन, जिसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा जो टाइप है उसे बोलते हैं पैन। और चूंकि काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि कोई बुक पढ़ता हूँ तो उसमें 2 टाइप का दिया होता है, किसी में 3 टाइप का नेटवर्क दिया होता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जो दूसरा टाइप होता है उसे बोलते हैं पैन। आपने ब्लूटूथ जरूर यूज़ किया होगा। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आपने ब्लूटूथ यूज़ किया होगा। कितने मीटर की रेंज होती है? 4 या 5 मीटर में वो पकड़ता है। और ये छोटा सा शॉर्ट रेंज होता है ब्लूटूथ का, एग्जाम्पल दे ही दिया मैंने पैन का। इसके बाद एक आता है कैन। ठीक है, कैन भी एक तरह का लैन ही होता है, जिसे बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। और कैंपस एरिया नेटवर्क कॉलेज के कैंपस में 300 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर तक की रेंज हो सकती है। तो ये हो गया कैन। और उसके बाद आता है जिसे बोलते हैं मैन, जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये क्या करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये जो है 35 किलोमीटर की रेंज होती है। अब जैसे कोई वोडाफोन का एम्प्लॉई है, तो अभी किसी बड़े शहर में चले, बड़े शहर में चले जाइए आप, तो ऐसे कंडीशन में उनको ज़रूरत पड़ती है 5, 10, 12, 15 किलोमीटर के एरिया को कवर करने की। तो उन्होंने दे रखा है उनको सिस्टम कि आप 12, 15, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक के एरिया या 35 किलोमीटर तक की एरिया में जब भी आप घूमेंगे, कंपनी के काम से जाएंगे, तो आपको नेट मिलेगा कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपना डेटा शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसे बोलते हैं हम मैन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट बच जाता है जिसे बोलते हैं हम वैन, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है गूगल, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब मान लीजिए गूगल इसका एग्जाम्पल है, तो ये बताइए गूगल आप कहाँ नहीं चला सकते, हर जगह गूगल चला सकते हैं। ठीक है, बात करें, चले जाइए चंद्रमा पर, एक तो टावर लगा दीजिए, इंटरनेट वहाँ भी चलेगा, धरती वाला, तो वहाँ पर टावर लगा दीजिएगा तो वहाँ पर भी चलेगा, तो कहीं भी चला सकते हैं आप। तो ये था वैन का एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5ों नेटवर्क के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।